दोस्तों काफ़ी बड़ा स्पेस ले सकते हो आपके घर के पास, आपकी एक फ्लैट के पास काफ़ी बड़ा स्पेस आ रहा है। टोटल 1 फ्लोर पे 6 फ्लैट आ रहे हैं एंड सामने 2 लिफ्ट आ रहा है। G+7 की बिल्डिंग आ रही है तो ये 2 लिफ्ट है एंड 6 फ्लैट है। 2 यहाँ पे 1 BHK एंड कॉर्नर पे 2 BHK। तो मैं आपको अभी 1 BHK फ्लैट दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी ये 1 BHK फ्लैट है, 427 का कारपेट है। तो अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामान रखे हुए। तो अभी ये सो अपना हॉल है, हॉल का आप साइज़ देख सकते हो, काफ़ी बड़ी साइज के हॉल है। और सामने ग्रीनरी, बैक साइड देख सकते हो बड़े बड़े टावर्स, ये पूरी ग्रीनरी है। एंड अब दोस्तों बैल्कनी, तो यहाँ तक आप एक्सटेंड कर सकते हो, यहाँ तक ऑलरेडी है, आप यहाँ तक भी बढ़ा सकते हो। और गैलरी का साइज़ देखो, हम बेडरूम का साइज़ देखो। तो ये दोस्तों अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी ऑलरेडी हो चुका है, 70% काम हो चुका है। तो काफ़ी बड़ी हॉल है। एंड दोस्तों अभी हम किचन का दें, किचन देखो दोस्तों काफ़ी बड़ी किचन है एंड सामने भी ग्रीनरी है, तो काफ़ी अच्छा मतलब व्यू है। तो ये किचन है एंड यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, यहाँ पे फ्रिज लगा सकते हो, तो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। एंड ये सामने वॉशरूम, तो ये कॉमन वॉशरूम है। एंड अभी हम बेडरूम एंट्री मारते हैं दोस्तों। ये बेडरूम है, काफ़ी बड़ा साइज है बेडरूम का, देख सकते हो। और ये सामने दोस्तों अटैच वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है बेडरूम के साथ। एंड ये स्किल सामने गैलरी, तो काफ़ी सारी गैलरी है। एंड सामने दोस्तों ये आपका पार्किंग है, तो पार्किंग काफ़ी बड़ी दी है। और सामने दोस्तों हेडक्वार्टर है सर, पूरी गैलरी है मतलब। और यहाँ से दोस्तों हाईवे आपको नज़दीक है अपना, रोडपाली हाईवे काफ़ी नज़दीक है, यहाँ से आप खारगर काफ़ी जल्दी पहुँच सकते हो। तो ये आपका बेडरूम हो गया। तो ये टोटल दोस्तों ये एरिया हो गया टोटल 327 का कारपेट हो गया, अटैच वॉशरूम, बेडरूम, किचन हो गया एंड कॉमन वॉशरूम एंड ये हॉल, ये काफ़ी बड़ा हॉल हो गया। तो ये टोटल हो गया आपका 427 का कारपेट 1 BHK। एंड ये आपका फ्लैट के बाहर काफ़ी बड़ा स्पेस हो गया, इसका आजू बाजू में कोई फ्लैट नहीं है। तो लिफ्ट है, ये आपका पार्किंग एरिया है, आप पार्किंग एरिया आप देख सकते हो। और लिफ्ट है और सामने पूरा है आपका लॉबी है, तो यहाँ सबको एंट्री मारते हो। सामने स्टेयर केस है एंड और पार्किंग देखो काफ़ी बड़ी दोस्तों, आपको पार्किंग मिल रही है। और ये पार्किंग का साइज देखो, तो दोस्तों बैक साइड भी आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी पार्किंग है। और ये G+7 की बिल्डिंग है, और सामने पूरी बिल्डिंग दोस्तों, आप बिल्डिंग देख सकते हो। और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ा एरिया मेरा पार्किंग का। तो दोस्त इसमें आपको ज़्यादा पार्किंग का एरिया देखो, काफ़ी ओपन एरिया है, आई स्पेस भी है। और G+7 की बिल्डिंग है एंड सामने दोस्तों टावर है, ये G+7 बिल्डिंग है, काफ़ी ओपन एरिया आपके फ्लैट के पास, काफ़ी बड़े ओपन एरिया आपके सामने आ रहे हैं। देख सकते हो सामने रोड, ये रोड है, ये आपका दोस्तों रोड है बिल्डिंग का। और सामने पूरी ये बिल्डिंग से ये सो दोस्तों सामने बाजू में प्लॉट खाली है, मतलब ओपन व्यू है एंड ये रोड है और सामने ग्रीनरी है। यहाँ पे दोस्तों कभी बिल्डिंग बनी खानी, क्योंकि ये हेडक्वार्टर है, यहाँ पे मिलिट्री कैंप है, ये सामने मिलिट्री कैंप है। ये रोड काफ़ी अच्छी रोड है, आपको साइज देखो रोड की। और सामने एंट्रेंस है ये बिल्डिंग का, और ये G+7 की बिल्डिंग है। तो दोस्तों ऐसा जगह आपको जल्दी मिलेगा नहीं, हाईवे टच है दोस्तों, सामने आप देख सकते हो वो हाईवे, और दोस्तों सामने हाईवे वो गाड़ी चाहिए और मेन हाईवे, यहाँ से आप मेन। तो आपको देखो ऐसी ऐसा प्रोजेक्ट G+7 का, और बैकग्राउंड में काफ़ी ओपन एरिया दिया हुआ है, काफ़ी अच्छी ओपन एरिया है। जो तो आप बैक साइड देख सकते हो बिल्डिंग काफ़ी चिपक चिपक के बनी हुई है, अब मेरे बैक साइड बिल्डिंग काफ़ी चिपक चिपक के बनी हुई है। तो ये काफ़ी उसको ओपन स्पेस मिला हुआ है, रेट भी कभी ज़्यादा नहीं, 1 BHK 49 लाख से, 1 BHK 49 लाख विदाउट कार पार्किंग एंड 2 BHK 67 लाख विदाउट कार पार्किंग, तो ऑल इंक्लूडिंग है। तो दोस्तों इतने सस्ते में मिलेगा नहीं रोड पाली दोस्तों, यहाँ से खारगर रेलवे स्टेशन कुछ 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2.5 किलोमीटर खारगर रेलवे स्टेशन है, बाजू में ही हाईवे, आप वॉकिंग डिस्टेंस भी जाओगे हाईवे पे
तो काफ़ी नज़दीक आपको मिलेगी गाड़ी जाने जाने के लिए। बस बस लोकल सब है, अंदर से ही बस है। यहाँ से बाजू में दोस्तों एक कल्याण के लिए बस है, डेपो बाजू में स्टॉप है, बस स्टॉप बाजू में डीमार्ट है, डीमार्ट भी बाजू में ही है। और फिर अपना सब कुछ स्कूल कॉलेज सब बाजू में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे ही फ्लैट आपको काफ़ी सस्ते मिलेगा नहीं, तो देखो। और दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब एक बार बिल्डिंग का व्यू देख लो, ये बिल्डिंग है और ये पार्किंग एरिया एंड ये एंट्रेंस है एंड ये रोड है एंड ये हेडक्वार्टर है और ये बैक साइड पर ओपन व्यू है। तो अच्छा लगा तो लाइक करना।